हो गया भाजपा के चेहरों का ऐलान। हिमाचल से ये चेहरे लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। मंडी से कंगना पर दाव खेल सकती है भाजपा। सियासी घमासान की वजह से अभी बाहर नहीं आई कैंडिडेट की लिस्ट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे हिमाचल की मंडी सीट में कंगना रनौत को भी टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। कंगना रनौत ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंगना मूल रूप से मंडी की रहने वाली है। उन्होंने मनाली में भी अपना घर बना रखा है। मनाली भी मंडी लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी कंगना पर दाव खेल सकती है। कंगना को मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी उन्हें चंडीगढ़ से भी मैदान में उतार सकती है। इसी बीच हिमाचल में भी भाजपा के टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, मगर अभी प्रत्याशी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कोर कमेटी से जल्द चारों लोकसभा सीटों का पैनल मांगा जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में होने वाली मीटिंग में नाम तय होंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान की वजह से कोर कमेटी इस पर होमवर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए हिमाचल में आखिरी चरण में वोटिंग। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग होगी, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्र मई के पहले सप्ताह तक बर्फ से ढके रहते हैं। साल 2019 में भी 19 मई को प्रदेश में मतदान हुआ था। इस वजह से हिमाचल में अभी टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। चाहे जो भी हो, बीजेपी के टिकट की पहली लिस्ट आते ही प्रदेश में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। धर्मशाला से ये नाम चर्चा में। धर्मशाला से बीजेपी के मौजूद सांसद किशन कपूर हैं। उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा यहां से युवा नेता एवं पूर्व विधायक विशाल नेहरिया पर दाव खेल सकती है। इसी तरह पूर्व मंत्री एवं विधायक विपिन सिंह परमार और पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया का नाम भी चर्चा में है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तय। हमीरपुर से अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एमपी है। यहां से उनका दोबारा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी अनुराग ठाकुर को चंडीगढ़ भी शिफ्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो हमीरपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती या पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का नाम भी चर्चा में है। सुरेश कश्यप का टिकट बदलने की भी है चर्चाएं। शिमला का भी बदल सकता है टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप सांसद है, उनके भी टिकट बदलने की चर्चाएं हैं। सुरेश कश्यप का टिकट बदला गया तो पछाड़ से विधायक रीना कश्यप को पार्टी टिकट दे सकती है। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और शिमला की पूर्व मेयर कुसुम सदरेट के नाम भी चर्चा में है। मंडी से जयराम और कंगना चर्चा में। मंडी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, अजय राणा और फिर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का नाम चर्चा में है। इनमें से किसी एक को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हो गया भाजपा के चेहरों का ऐलान। हिमाचल से ये चेहरे लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। मंडी से कंगना पर दाव खेल सकती है भाजपा। सियासी घमासान की वजह से अभी बाहर नहीं आई कैंडिडेट की लिस्ट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे हिमाचल की मंडी सीट में कंगना रनौत को भी टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। कंगना रनौत ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंगना मूल रूप से मंडी की रहने वाली है। उन्होंने मनाली में भी अपना घर बना रखा है। मनाली भी मंडी लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी कंगना पर दाव खेल सकती है। कंगना को मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी उन्हें चंडीगढ़ से भी मैदान में उतार सकती है। इसी बीच हिमाचल में भी भाजपा के टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, मगर अभी प्रत्याशी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कोर कमेटी से जल्द चारों लोकसभा सीटों का पैनल मांगा जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में होने वाली मीटिंग में नाम तय होंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान की वजह से कोर कमेटी इस पर होमवर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए हिमाचल में आखिरी चरण में वोटिंग।
हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग होगी, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्र मई के पहले सप्ताह तक बर्फ से ढके रहते हैं। साल 2019 में भी 19 मई को प्रदेश में मतदान हुआ था, इस वजह से हिमाचल में अभी टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। चाहे जो भी हो, बीजेपी के टिकट की पहली लिस्ट आते ही प्रदेश में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। धर्मशाला से ये नाम चर्चा में, धर्मशाला से बीजेपी के मौजूद सांसद किशन कपूर हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा यहां से युवा नेता एवं पूर्व विधायक विशाल नेहरिया पर दांव खेल सकती है। इसी तरह पूर्व मंत्री एवं विधायक विपिन सिंह परमार और पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया का नाम भी चर्चा में है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तय, हमीरपुर से अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एमपी है, यहां से उनका दोबारा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी अनुराग ठाकुर को चंडीगढ़ भी शिफ्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो हमीरपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती या पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का नाम भी चर्चा में है। सुरेश कश्यप का टिकट बदलने की भी है चर्चाएं, शिमला का भी बदल सकता है टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप सांसद है, उनके भी टिकट बदलने की चर्चाएं हैं। सुरेश कश्यप का टिकट बदला गया तो पछाड़ से विधायक रीना कश्यप को पार्टी टिकट दे सकती है। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और शिमला की पूर्व मेयर कुसुम सदरेट के नाम भी चर्चा में है। मंडी से जयराम और कंगना चर्चा में, मंडी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, अजय राणा और फिर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का नाम चर्चा में है। इनमें से किसी एक को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हो गया भाजपा के चेहरों का ऐलान, हिमाचल से ये चेहरे लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। मंडी से कंगना पर दांव खेल सकती है भाजपा। सियासी घमासान की वजह से अभी बाहर नहीं आई कैंडिडेट की लिस्ट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे हिमाचल की मंडी सीट में कंगना रनौत को भी टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। कंगना रनौत ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंगना मूल रूप से मंडी की रहने वाली है, उन्होंने मनाली में भी अपना घर बना रखा है। मनाली भी मंडी लोकसभा सीट में आता है, ऐसे में बीजेपी कंगना पर दांव खेल सकती है। कंगना को मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी उन्हें चंडीगढ़ से भी मैदान में उतार सकती है। इसी बीच हिमाचल में भी भाजपा के टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, मगर अभी प्रत्याशी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कोर कमेटी से जल्द चारों लोकसभा सीटों का पैनल मांगा जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में होने वाली मीटिंग में नाम तय होंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान की वजह से कोर कमेटी इस पर होमवर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए हिमाचल में आखिरी चरण में वोटिंग। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग होगी, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्र मई के पहले सप्ताह तक बर्फ से ढके रहते हैं। साल 2019 में भी 19 मई को प्रदेश में मतदान हुआ था, इस वजह से हिमाचल में अभी टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। चाहे जो भी हो, बीजेपी के टिकट की पहली लिस्ट आते ही प्रदेश में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। धर्मशाला से ये नाम चर्चा में, धर्मशाला से बीजेपी के मौजूद सांसद किशन कपूर हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा यहां से युवा नेता एवं पूर्व विधायक विशाल नेहरिया पर दांव खेल सकती है। इसी तरह पूर्व मंत्री एवं विधायक विपिन सिंह परमार और पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया का नाम भी चर्चा में है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तय, हमीरपुर से अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एमपी है, यहां से उनका दोबारा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी अनुराग ठाकुर को चंडीगढ़ भी शिफ्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो हमीरपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती या पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का नाम भी चर्चा में है। सुरेश कश्यप का टिकट बदलने की भी है चर्चाएं, शिमला का भी बदल सकता है टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप सांसद है, उनके भी टिकट बदलने की चर्चाएं हैं। सुरेश कश्यप का टिकट बदला गया तो पछाड़ से विधायक रीना कश्यप को पार्टी टिकट दे सकती है। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और शिमला की पूर्व मेयर कुसुम सदरेट के नाम भी चर्चा में है। मंडी से जयराम और कंगना चर्चा में,
मंडी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, अजय राणा और फिर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का नाम चर्चा में है। इनमें से किसी एक को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हो गया भाजपा के चेहरों का ऐलान। हिमाचल से ये चेहरे लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। मंडी से कंगना पर दाव खेल सकती है भाजपा। सियासी घमासान की वजह से अभी बाहर नहीं आई कैंडिडेट की लिस्ट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे हिमाचल की मंडी सीट में कंगना रनौत को भी टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। कंगना रनौत ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंगना मूल रूप से मंडी की रहने वाली है। उन्होंने मनाली में भी अपना घर बना रखा है। मनाली भी मंडी लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी कंगना पर दाव खेल सकती है। कंगना को मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी उन्हें चंडीगढ़ से भी मैदान में उतार सकती है। इसी बीच हिमाचल में भी भाजपा के टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, मगर अभी प्रत्याशी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कोर कमेटी से जल्द चारों लोकसभा सीटों का पैनल मांगा जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में होने वाली मीटिंग में नाम तय होंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान की वजह से कोर कमेटी इस पर होमवर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए हिमाचल में आखिरी चरण में वोटिंग। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग होगी, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्र मई के पहले सप्ताह तक बर्फ से ढके रहते हैं। साल 2019 में भी 19 मई को प्रदेश में मतदान हुआ था। इस वजह से हिमाचल में अभी टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। चाहे जो भी हो, बीजेपी के टिकट की पहली लिस्ट आते ही प्रदेश में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। धर्मशाला से ये नाम चर्चा में। धर्मशाला से बीजेपी के मौजूद सांसद किशन कपूर हैं। उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा यहां से युवा नेता एवं पूर्व विधायक विशाल नेहरिया पर दाव खेल सकती है। इसी तरह पूर्व मंत्री एवं विधायक विपिन सिंह परमार और पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया का नाम भी चर्चा में है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तय। हमीरपुर से अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एमपी है। यहां से उनका दोबारा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी अनुराग ठाकुर को चंडीगढ़ भी शिफ्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो हमीरपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती या पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का नाम भी चर्चा में है। सुरेश कश्यप का टिकट बदलने की भी है चर्चाएं। शिमला का भी बदल सकता है टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप सांसद है, उनके भी टिकट बदलने की चर्चाएं हैं। सुरेश कश्यप का टिकट बदला गया तो पछाड़ से विधायक रीना कश्यप को पार्टी टिकट दे सकती है। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और शिमला की पूर्व मेयर कुसुम सदरेट के नाम भी चर्चा में है। मंडी से जयराम और कंगना चर्चा में। मंडी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, अजय राणा और फिर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का नाम चर्चा में है। इनमें से किसी एक को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हो गया भाजपा के चेहरों का ऐलान। हिमाचल से ये चेहरे लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। मंडी से कंगना पर दाव खेल सकती है भाजपा। सियासी घमासान की वजह से अभी बाहर नहीं आई कैंडिडेट की लिस्ट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे हिमाचल की मंडी सीट में कंगना रनौत को भी टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। कंगना रनौत ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंगना मूल रूप से मंडी की रहने वाली है। उन्होंने मनाली में भी अपना घर बना रखा है। मनाली भी मंडी लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी कंगना पर दाव खेल सकती है। कंगना को मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी उन्हें